असल मालिक मतलब है क्या हाल है अल्लाह। अच्छा ये बोर्ड है और इसका वो फैन उतारता वक्त ना को पेशकश लग गया था और इसके कुछ खुर्दा जो है ना वो टूट गए हैं। ये देखें ज़रा वो बिल्कुल न्यू और वारंटी में है लेकिन ये है कि वो वारंटी इसके फ़िलहाल तो नहीं रही। ये इसके कुछ पॉइंट टूटे हुए हैं तो ये मुझे सही करवाने हैं। सर जी ये फरीद भाई हैं दीपालपुर से, इसको फोकस कीजिएगा। फरीद भाई से अब हुआ क्या है कि एक पेपर कैपेसिटर पीएफ और दो रजिस्टर्स टूट गई हैं। बोर्ड को माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इसमें ये देखें जी इन्फेक्टेड एरिया जो है यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ था, ये दो उसके पॉइंट हैं पेपर कैपेसिटर तो ये उतर गया होगा और यहाँ पे ये दो पॉइंट हैं और ये एक पॉइंट भी साथ डैमेज हो गया है। ठीक है तो ये तीन कंपोनेंट हमें लगाने पड़ेंगे तो इसमें फरीद भाई एक सेम टाइप का बोर्ड लेके आए हैं, उससे हम उसकी वैल्यू मेजर करते हैं और लगा के देखते हैं कि ये बोर्ड रन होता है कि नहीं। ये फरीद भाई कौन सी जनरेशन है? ये एएमडी का है 8th जनरेशन में। 8th जनरेशन का बोर्ड है, कॉस्टली है तो ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। DDR5 वाला है। DDR5 ठीक है, यूज़र के पैसे बच जाएंगे। ओके जी इसको रिप्लेस करके आपको दिखाते हैं अभी। लो जी अब हम इसके जो कंपोनेंट मिसप्लेस हैं वो लगाने लगे हैं और इसके लिए हम एक अल्टरनेट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लेंगे और इसका पीएफ और दूसरे दो पार्ट्स जो है ना वहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे। ये हमने पीएफ ले लिया है तो इस बोर्ड पे लगाते हैं। ठीक है ये दो जिसको मुदाफत कहते हैं सिस्टर वो भी दो लगाते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल छोटे नंबरों की हैं जो लगी हुई। एक लग गई है, एक पीएफ लग गया है और अब एक और हम उठाते हैं। ये तीनों लग गई हैं, अब माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये सही जगह पे लग गई हैं। लो जी वीवर हमने ये दोनों ही रजिस्टर चेंज कर दिए हैं और ये पीएफ भी लगा दिया है। ये देखें यहाँ से ये बर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे भी पॉइंट डैमेज हो गया था लेकिन ये दोनों आपस में मिले हुए हैं तो हमने इनको शोल्डर से शार्ट कर दिया, ये पीएफ लगा दिया है। अब चेक करते हैं कि इसका डिस्प्ले आया है कि नहीं आया है। तीनों कंपोनेंट हमने अपनी जगह पे इंस्टॉल कर दिए हैं। ऑन ऑफ जैक है, ये मैंने दो पॉइंट को शार्ट किया है तो इस बोर्ड को अब ऑन होकर डिस्प्ले देना चाहिए। बोर्ड ऑन हो गया है, सप्लाई पे फोकस कीजिए, ये सप्लाई रन हो गई है और स्क्रीन पे देखिए ये ASUS लिख के आ गया है। ये मॉडल है जी, बोर्ड चल चुका है। इसमें सिर्फ बताने वाली बात यह है कि जब मदरबोर्ड को आप लोग खोलते हैं या उसको वापस इंस्टॉल करते हैं केसिंग में तो ख्याल रखने वाली बात यह है कि एक मिनट चाहे ज़्यादा लग जाए लेकिन बिल्कुल आराम से सुकून से देख के पेच उसके लगाएं। आपके हाथ से पेच का जो स्लिप होता है तो वो इधर उधर लग जाता है, लगने की सूरत में समटाइम उसके कंपोनेंट टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं तो उस सूरत में बोर्ड डिस्प्ले बंद कर देता है। अब इस काम के लिए ये भाई फरीद भाई हैं, इनको दीपालपुर से आना पड़ा है। ठीक है ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले दोस्त हैं, शागिर्द हैं, भाई हैं, इनको वहाँ से आना पड़ा है। ठीक है तो अल्लाह का शुक्र है इनका काम हो चुका है। एहतियात कीजिए, ये कंप्यूटर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये बिल्कुल सही चलते हैं अगर आप इनके साथ सही चलें। ओके जी अल्लाह हाफिज़।